हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फिट ऑफ फिजिकल एजुकेशन चैनल। दोस्तों, आज के सेशन में 50 एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं। सभी क्वेश्चंस आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। जैसा कि दोस्तों बीपीएससी TRE3 का एग्जाम कल के इंफॉर्मेशन में जो आया हुआ है, 20 तारीख के बाद कभी भी हो सकता है, 20 जून के बाद। तो आप तैयार रहिए, अब आपके पास टाइम नहीं है। बस उसमें ये हाई कोर्ट के द्वारा या फरमान जारी किया गया है कि जो पहले से अतिथि शिक्षक एंड संविदा शिक्षक हैं, वो जितने साल नौकरी किए हुए हैं उसका बोनस पॉइंट उन सबको मिलेगा। जैसे एक साल पर 5 नंबर, इस तरह 5 साल पर 25 नंबर, इस प्रकार का प्रावधान किया गया है। लेकिन आपका एग्जाम तय समय पर होगा, इसलिए आपके पास टाइम नहीं है। आप सभी पूरे शिद्दत के साथ लग जाइए। उसके बाद बीपीएससी TRE4 भी होगा, तो एक के बाद एक एग्जाम कंडक्ट जरूर होगा। इसलिए आप अपने तैयारी में लगे रहिए और मैं डेली बेसिस पे आपके लिए प्रैक्टिस करा ही रही हूँ। तो फिजिकल एजुकेशन की किसी भी कंपटीशन एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मेरे चैनल में सभी प्रकार के कॉन्टेंट अवेलेबल हैं। तो चलते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, काफ बोन किसे कहा जाता है? दोस्तों, जैसे कि हमारे जो काफ मसल्स होती है वो गैस्ट्रोनेमियस मसल्स को काफ मसल्स कहा जाता है। यहाँ पे काफ बोन पूछा हुआ है, तो फिबुला हड्डी को काफ बोन कहा जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, एससी बग यानी हैरी क्रोबग भारतीय दल को अपने नेतृत्व में पहली बार किस ओलंपिक में प्रतिभाग कराने के लिए ले गए थे? तो दोस्तों, अनअधिकारिक तौर पर 1924 में पेरिस फ्रांस में एससी बग ने अपने नेतृत्व में ओलंपिक में प्रतिभाग कराने ले गए थे। जैसा कि आप जानते हैं कि अनअधिकारिक तौर पर भारतीय दल ने ओलंपिक में 1920 एंड्रोल ओलंपिक और 1924 पेरिस फ्रांस ओलंपिक में भाग लिया था, लेकिन आधिकारिक तौर पर कब भाग लिया था? 1928 एमस्टरडम हॉलैंड ओलंपिक में। लेकिन ओलंपिक में भारत ने सर्वप्रथम कब भाग लिया था? तो 1900 पेरिस फ्रांस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस महापुरुष को भारत का पायनियर ऑफ फिजिकल एजुकेशन कहा जाता है? तो वो है दोस्तों एससी बक, हैरी क्रोबक, भारत का पायनियर ऑफ फिजिकल एजुकेशन और भारत का सारी शिक्षा का पितामह भी कहे जाते हैं, क्योंकि यह YMCA कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन की स्थापना चेन्नई मद्रास में 1920 में किए थे। नेक्स्ट है, किस महापुरुष को एशियाई खेलों का पितामह कहा जाता है? दोस्तों, जिस प्रकार आधुनिक ओलंपिक खेलों को शुरू करने का श्रेय बैरन पियरे कोबर्टिन को दिया जाता है, उसी प्रकार एशियन खेलों को शुरू करने का श्रेय जो है प्रोफेसर जीडी सोंदी को कहा जाता है, इसीलिए इनको एशियन खेलों का पितामह कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश में किस स्थान पर भारतीय खेल प्राधिकरण यानी स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया साई द्वारा हाई एल्टीट्यूड ट्रेनिंग सेंटर स्थापित किया गया है? तो दोस्तों, वह है सिलारू में। याद रखिएगा, सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, केरल में सबसे अधिक कौन सा खेल प्रचलित है? तो दोस्तों, केरल में सबसे अधिक वॉलीबॉल खेल प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है, हेपेटिक धमनी का संबंध शरीर के किस अंग से है? तो दोस्तों, मैंने डाइजेस्टिव सिस्टम पाचन तंत्र वाले वीडियो में डिटेल में बताया हुआ है, जो हेपेटिक धमनी है वो यकृत से संबंधित है और यह यकृत यानी लीवर से लीवर और छोटी आंत को जोड़ती है आपस में। नेक्स्ट है, किस ओलंपिक में प्रथम स्थान पर आने वाले खिलाड़ियों को पूर्ण सोने के मेडल दिए गए? सबसे पहले मेडल दिए गए 1908 लंदन ओलंपिक में, लेकिन पूर्ण सोने के ठोस मेडल दिया गया 1912 स्टॉकहोम स्वीडन ओलंपिक में। याद रखिएगा सभी पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाजर में सबसे अधिक कौन सा विटामिन मिलता है? तो दोस्तों, गाजर में सबसे अधिक विटामिन ए पाया जाता है। नेक्स्ट है, कुश्ती के खिलाड़ी को क्या बोला जाता है? तो दोस्तों, कुश्ती के खिलाड़ी को बोला जाता है गैपलर्स या फैल। ठीक है, यहाँ पे रेडर कबड्डी से संबंधित है, केजर्स जो है बास्केटबॉल खिलाड़ी को बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से फीला यानी शतरंज में फीला किसे बोला जाता है? तो दोस्तों, शतरंज में फीला ऊंट को बोला जाता है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फुटबॉल विश्व कप कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट के अंतर्गत किस पद्धति से खेला जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन अवश्य आ सकता है। ठीक है, तो फुटबॉल विश्व कप जो है वो कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट के अंतर्गत किस टूर्नामेंट के अंतर्गत खेला जाता है, तो लीग कम नॉकआउट टूर्नामेंट के आधार पर खेला जाता है। नेक्स्ट है, सुदृढ़मन कप का संबंध किस खेल से है। तो दोस्तों, सुदृढ़मन कप का संबंध बैडमिंटन से है। नेक्स्ट है, बाएं हाथ के गेंदबाज दाएं हाथ के बल्लेबाज को ऑफ स्पिन का एक्शन कर लेग स्पिन गेंद डाले तो उसे क्या कहते हैं। तो उसे कहा जाता है चाइना मैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज भारत में राष्ट्रीय कोचिंग स्कीम को कौन नियंत्रित करता है। दोस्तों, वह नियंत्रित करता है भारतीय खेल प्राधिकरण, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, साई। नेक्स्ट है, एक व्यक्ति के शरीर का आसन यानी पोस्चर निम्न में से किससे सबसे अधिक प्रभावित होता है। दोस्तों, आप डेली बेसिस पे आपकी आदतें क्या हैं वो सबसे ज्यादा निर्धारित करता है। तो गतिविधि संबंधित आदतें, आपकी जो जीवन शैली, जो डेली बेसिस पे आपकी गतिविधि होती है, आपकी आदतें कैसी हैं, वो आपके बॉडी पोस्चर को डिफाइन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बच्चे के वृद्धि और विकास में सबसे मुख्य बाधा कौन सी आती है। तो दोस्तों, अगर बच्चे को सबसे ज्यादा प्रोटीन की जरूरत होती है, प्रोटीन की कमी से कुपोषण हो जाता है जिससे उसमें वृद्धि और विकास रुक जाता है, तो सबसे अधिक बाधा होता है ये सभी, अभ्यास की कमी, मनोविकार, पर्यावरण असंतुलन, ये सभी होता है, बट सबसे अधिक परेशान करता है, बाधा होता है कुपोषण, संतुलित आहार की कमी। नेक्स्ट है, 1896 के प्रथम आधुनिक ओलंपिक खेल में कितने खेल शामिल किए गए थे। तो दोस्तों, कुल 12 खेल शामिल किए गए थे और 14 देश ने भाग लिया था, लेकिन यहाँ पे 12 दिया ही नहीं है, तो यहाँ पे आप इसका आंसर, एग्जैक्ट आंसर ढूंढिएगा, क्योंकि 12 खेल शामिल किए गए थे, यहाँ पे 9 आंसर दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ओलंपिक में पहली बार ओलंपिक झंडा फहराया गया था। दोस्तों, तो ओलंपिक झंडा को सबसे पहले 1913 में बैरन पियर डी कुबर्टिन ने बनाया था, इसको फहराया गया था सबसे पहले 1920 एंटवर्प ओलंपिक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पार्टा के लोगों को किस क्षेत्र में विशिष्ट समझा जाता है। दोस्तों, क्योंकि स्पार्टा ऐसा देश है जहाँ पे जो अपंग और कमजोर बच्चे होते थे, उत्पन्न होते थे, उसको टाइगर्स पर्वत से फेंकवा दिया जाता था, तो वहाँ पे सैनिक कौशल में विशिष्ट समझा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनान की सभ्यता में कौन सा मनोरंजन कार्य प्रचलित था जिसका प्रयोग वहां के लोग प्राचीन काल में किया करते थे। तो मनोरंजन के लिए वहां पर नृत्य होता था, क्या होता था, नृत्य। नेक्स्ट है, स्कूलों में शारीरिक शिक्षक की नियुक्ति के लिए अहर्ता कौन निर्धारित करता है। तो दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है किसी न किसी माध्यम से, वो है NCTE, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, NCTE, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन। नेक्स्ट है, स्पार्टा के लोगों का कौन सा चरित्र योग्य नहीं था। तो जुआ खेलना, बहादुरी, चोरी करना, ये सभी तो था, लेकिन योग्य नहीं था चीखना चिल्लाना। नेक्स्ट है, किस देवता के समक्ष निमियन खेल आयोजित किए जाते थे। दोस्तों, तो आप जो है, जो पूर्व एथेंस काल था उस समय एक अखिल यौवन पानहेलिक खेल समारोह किया जाता था, जिसमें ओलंपिक, पीथियन, इस्मियन, निमियन खेल होता था, जिसमें ओलंपिक खेल जीएस देवता यानी आकाश देवता के श्रद्धांजलि के लिए, और पीथियन खेल ओलंपिक अपोलो देवता यानी सूर्य देवता के श्रद्धांजलि के लिए, और इस्थिमियन खेल समुद्र देवता यानी पोसेडियन के सम्मान के लिए, और निमियन खेल जीएस देवता के सम्मान के लिए। तो ओलंपिक और निमियन दोनों जीएस देवता के सम्मान के लिए आयोजित किए जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिशु या बच्चे में शारीरिक विकृति का मुख्य कारण क्या है। तो दोस्तों, मुख्य कारण होता है कुपोषण, संतुलित आहार का न मिलना। नेक्स्ट दोस्तों, अग्रकुब्जता लार्डोसिस में निम्न में से किससे संबंधित है। तो लार्डोसिस, अग्रकुब्जता
लार्डोसिस को कहा जाता है, पश्चगुप्ता काइफोसिस यानी कुबड़ा को बोला जाता है। जो लार्डोसिस होता है ये हमारे गर्दन और निचला कमर में होता है, कमर गड्ढा हो जाता है, पेट बाहर की तरफ निकल जाता है। यहाँ पे गर्दन तथा निचला कमर राइट होगा। एंड लार्डोसिस को दोस्तों कई नामों से जाना जाता है, हालो बैक, स्वे बैक, बैक पोस्टर डिफेक्ट, असैडल बैक आदि नामों से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अग्रकुभिता यानी कि लार्डोसिस अधिकतम किसमें पाया जाता है? सभी प्रकार के, सभी उम्र के लोगों में यह पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर लार्डोसिस लंबर भाग यानी कमर वाले भाग में होता है तो मरीज कैसा देखने में लगता है? तो दोस्तों अभी जस्ट मैं बताई हूँ कि इसको हालो बैक, स्वे बैक, बैक पोस्टर डिफेक्ट, सैडल बैक आदि नामों से जाना जाता है लार्डोसिस को। तो यह स्वे बैक जैसा दिखता है, तो उसके उपनाम को जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरुदंड की पार्श्व कुब्जता यानी कि जो बगल में होता है, लेटरल डिविजन ऑफ स्पाइन यानी स्कोलियोसिस की बात कर रहा है, ठीक है, स्कोलियोसिस की। स्कोलियोसिस क्या होता है? मेरुदंड की पार्श्व कुब्जता यानी लेटरल डिविजन ऑफ स्पाइन यानी मेरुदंड यानी स्पाइन एक ओर झुक जाता है, जिससे शोल्डर एक तरफ और हिप दूसरी तरफ झुक जाते हैं। इसमें सी और यस दो प्रकार की आकृति बनती है। तो यहाँ पे स्कोलियोसिस नामक विकृति सबसे अधिक निम्न में से किस में देखने को मिलता है दोस्तों? तो यह तीरंदाजी और निशानेबाजी वाले में ज्यादा दिखता है, क्योंकि एक तरफ झुक कर ये काम करते हैं इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइनोथ्रोसिस प्रकार के जोड़ों में जोड़ने में से किस में पाया जाता है? तो दोस्तों तीन प्रकार के जोड़ होते हैं, चल, अचल और अधचल संधि, जिसमें मैंने आपको एक ट्रिक बताया हुआ था, डी ए एस, ठीक है, डी ए एस, डी से हो जाएगा आपका डी ए एस यानी चल, अर्धचल और अचल, डी से हो जाएगा डायर्थ्रोसिस यानी चल संधि, ए से हो जाएगा एम्फियार्थ्रोसिस यानी अर्धचल संधि, एस से हो जाएगा साइनोथ्रोसिस यानी कि अचल संधि। तो यहाँ पे अचल संधि किसमें पाया जाएगा दोस्तों? खोपड़ी में, खोपड़ी के जोड़ जिसे सूचर ज्वाइंट कहा जाता है अचल संधि के अंतर्गत आता है। अचल संधि के अंतर्गत खोपड़ी का जोड़ जिसमें सेड सेजिटल सूचर, क्रोनल सूचर, लंबोइड सूचर आता है। इसके अलावा एंटीरियर टिबिया फिबुला ज्वाइंट भी अचल संधि के अंतर्गत आता है, जिसे सिंडमोसिस कहा जाता है। इसके अलावा गोम्फोसिस या पेग एंड साकेट ज्वाइंट धातु का जोड़ भी अचल संधि के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोम्फोसिस यानी धातु का जोड़ अभी जस्ट में बताई हूँ किसके अंतर्गत आता है, एंड सिंडमोसिस चल संधि के पास स्थित अचल संधि नामक जोड़ इनमें से किसमें पाया जाता है? सिंडमोसिस एंटीरियर टिबिया फिबुला ज्वाइंट को कहते हैं, यह सभी अचल संधि के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकिलिस टेंडन किस मांसपेशी के सिरे पर स्थित होती है? तो दोस्तों एड़ी की टेंडन जो सबसे मजबूत टेंडन होती है वो एकिलिस टेंडन होती है, या गैस्ट्रोनीमियस मांसपेशी वहां तक जाती है और वहां गैस्ट्रोनीमियस मांसपेशी के सिरे पर पाया जाता है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ताकत सभी गतियों का आधार है जिसमें निम्नलिखित में से कौन सहायक होता है? तो दोस्तों ताकत जो है बल की यहाँ बात किया जाए वहां मांसपेशियां होंगी, इसका आधार मांसपेशियां, अगर अच्छी है मजबूत है तो अच्छा ताकत होगा। नेक्स्ट दोस्तों, निम्न में से मोटापे की समस्या सबसे अधिक कहाँ पाई जाती है? तो दोस्तों सबसे ज्यादा अमेरिका में पाया जाता है। नेक्स्ट दोस्तों, बीएमआई यानी बॉडी मास इंडेक्स कितने से अधिक होने पर मोटापा यानी ओबेसिटी कहलाता है? बॉडी मास इंडेक्स ये शरीर को वसा को मेजर करता है, यहाँ पे आपका भार जो है आपकी लंबाई के अनुसार सही है कि नहीं, इसको मेजर करने का सूत्र होता है वेट इन केजी अपॉन हाइट इन मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे जो 18 से कम यदि आपका बीएमआई है तो आप अंडर वेट यानी कि आप कमजोर स्थिति में आ जाएंगे, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आपको झेलने पड़ेंगे, और जब 18 या 19 से ज़्यादा या 22 23 के लगभग होगा तो आपका अच्छा होगा बीएमआई, और उससे ज़्यादा होगा तो धीरे धीरे आप ओवरवेट के अंतर्गत आने लगेंगे, और 30 से ज़्यादा होगा तो आप ओबेसिटी यानी मोटापा के अंतर्गत काउंट किए जाएंगे। नेक्स्ट है, किस ओलंपिक में पहली बार भारत का तिरंगा लहराया गया? दोस्तों तो भारत का तिरंगा पहली बार 1948 लंदन ओलंपिक में फहराया गया।
नेक्स्ट है, पहली बार और आज तक के ओलंपिक में अंतिम बार भारतीय बास्केटबॉल टीम ने किस ओलंपिक में भाग लिया? तो वह है 1980 मॉस्को ओलंपिक में। नेक्स्ट है, किस भारतीय खिलाड़ी के नाम से जर्मनी में सड़क बनाई गई थी? तो दोस्तों, जर्मनी में सड़क ध्यानचंद के भाई रूप सिंह के नाम से बनाई गई थी। नेक्स्ट है, निम्न में से किस भारतीय खिलाड़ी के नाम से 2012 के लंदन ओलंपिक में ट्यूब स्टेशन लंदन में नहीं बनाया गया? तो दोस्तों, बनाया किसके नाम से गया इसको देखिए सबसे पहले, तो वह मेजर ध्यानचंद, रूप सिंह एंड लेजली क्लाडियस के नाम से 2012 लंदन ओलंपिक में ट्यूब स्टेशन लंदन में बनाया गया। और किसके नाम से नहीं बनाया गया था? के डी सिंह बाबू के नाम से। नेक्स्ट है, किस भारतीय हॉकी खिलाड़ी ने सबसे अधिक बार भारतीय हॉकी टीम के सदस्य के रूप में ओलंपिक में प्रतिभाग किया है? तो वो है आपके लेजली क्लाडियस। नेक्स्ट है, पाकिस्तान ने पहली बार किस ओलंपिक में प्रतिभाग किया? तो दोस्तों, पाकिस्तान ने पहली बार 1956 मेलबोर्न ओलंपिक में प्रतिभाग किया। नेक्स्ट है, भारतीय फुटबॉल टीम किस ओलंपिक में प्रथम चार स्थान में चौथा स्थान बनाया? तो यह बनाए 1956 मेलबोर्न ओलंपिक में। वैसे तो जो भारतीय फुटबॉल टीम है ओलंपिक में सबसे पहले 1948 लंदन ओलंपिक में भाग लिया था, जिसमें कोई पदक, जिसके कप्तान टीम बैंगल थे, एंड दूसरी बार भाग लिया था 1952 हेलसिंकी फिनलैंड में, तीसरी बार भाग लिया था मेलबोर्न ऑस्ट्रेलिया 1956 में जिसमें चौथा स्थान प्राप्त किया था, और चौथी बार 1960 रोम में इटली में भाग लिया था जिसमें क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाया। और इस ओलंपिक के बाद भारतीय फुटबॉल आज तक ओलंपिक के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाया है। नेक्स्ट है, अभी तक किस महाद्वीप में ओलंपिक आयोजित नहीं किया गया है? तो दोस्तों, अफ्रीका महाद्वीप ऐसा है जहां पे अभी तक कोई भी ओलंपिक आयोजित नहीं किया गया है। नेक्स्ट है, एशिया ओलंपिक, एशिया को आईओसी द्वारा पहली बार कब ओलंपिक आमंत्रित किया गया? तो दोस्तों, सबसे पहले आमंत्रित किया गया 1940 में, जो द्वितीय विश्व युद्ध के कारण संपन्न नहीं हुआ था टोक्यो जापान में, तो 1916, 1940, 1944 जो प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के कारण ओलंपिक संपन्न नहीं हुए थे, तो जो 1940 था वो टोक्यो जापान में रखा गया था बट आयोजित नहीं हुआ था। नेक्स्ट दोस्तों, प्रयास त्रुटि सिद्धांत यानी ट्रायल एरर सिद्धांत को दिया था थॉर्नडाइक ने, इसको किस से दूसरे नाम से जाना जाता है? तो इसको दोस्तों स्वयं सीखने का सिद्धांत भी, प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ लर्निंग के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है, मेजर ध्यानचंद और रूप सिंह के भाई का नाम बताइए जो हॉकी के एक अच्छे खिलाड़ी हैं। तो मेजर ध्यानचंद, रूप सिंह दोनों भाई हैं ही, एक और भाई थे जिनका नाम था उदय सिंह, वो भी हॉकी के अच्छे खिलाड़ी थे। नेक्स्ट है, जब भारत ने अमेरिका की धरती पर लॉस एंजेलिस 1932 में अमेरिका की ओलंपिक हॉकी टीम 24-1 के विशाल स्कोर से पराजय किया था, उस भारतीय टीम के कप्तान कौन थे? तो वहां पे थे लाल शाह बुखारी। नेक्स्ट है, 1900 पेरिस ओलंपिक में नॉर्मन फ्रिचार्ड ने किसके झंडे तले प्रतिभाग किया था? दोस्तों, थे एंग्लो इंडियन यानी कि ब्रिटिश इंडिया के झंडे तले इन्होंने प्रतिभाग किया था। इसी के आधार पर कहा जाता है कि भारत ने ओलंपिक में सबसे पहले कब प्रतिभाग किया था? 1900 पेरिस फ्रांस में। नेक्स्ट है, निम्न में से कालक्रमिक के आधार पर बढ़ते हुए क्रम में कौन सही है? तो दोस्तों, सबसे पहले सुकरात हुए, उसके बाद उनके शिष्य प्लेटो हुए, फिर उसके बाद उनके शिष्य अरस्तु हुए, तो सुकरात, प्लेटो, अरस्तु आपका सही होगा। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, अगर पैर के पंजे को बाहर की तरफ मुड़ा जाए तो यह किस प्रकार की गति कहलाएगी? तो दोस्तों, अंदर की तरफ मुड़ा जाएगा तो इनवर्जन, और बाहर की तरफ मुड़ा जाएगा तो एवर्जन कहलाएगा। ठीक है, तो ये था आज के सेशन में 50 एमसीक्यू क्वेश्चंस। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। जो भी डाउट होगा कमेंट में जरूर बताइए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे और लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। और आप सभी डेली बेसिस पर इसी तरह प्रैक्टिस करते रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो प्रैक्टिस में, तब तक के लिए जय हिंद।